वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ में माहौल एक बार फिर से गर्मा रहा है। ऐसा मुस्लिम बाहुल्य इलाके में देवी जागरण कराने की जिद को लेकर हो रहा है। इसे लेकर पुलिस व भाजपा आमने सामने है। भाजपाइयों का कहना है कि यहाँ पूर्व में भी आयोजन हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूर्व में बकायदा अनुमति लेकर भीतर आयोजन किया गया था, मुख्य मार्ग को बाधित करके नहीं। इसे लेकर सिविल लाइन इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा व भाजपा नेता कमलधर शर्मा के बीच विवाद के हालात पैदा हो गए। इंस्पेक्टर का साफ कहना है कि बिना अनुमति इस इलाके में मार्ग को बाधित कर जागरण नहीं करने दिया जाएगा। तो भाजपा नेता कमलधर शर्मा व दीपक शर्मा ने भी चैलेंज कर दिया है कि अब बिना अनुमति के ही वे हाशिमपुरा में 2 मई को देवी जागरण करके दिखाएंगे, हिम्मत हो तो रोक लेना। इंस्पेक्टर व भाजपा नेताओं के बीच हुई हॉट टॉक के वायरल वीडियो की गूंज लखनऊ तक सुनाई दी है। इस पर आज पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक आयोजन करने की प्रक्रिया है, उसका ही पालन किया जाएगा। सभी अपनी भावनाओं के अनुरूप आयोजन करें, लेकिन कानून के दायरे में। इस विवाद की शुरुआत मंगलवार की दोपहर से हुई। पहले सुनिए वह ऑडियो जिसमें भाजपा नेता दीपक शर्मा व सिविल लाइन इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। नमस्कार। मैं कह रहा था आप हाशिमपुरा गए थे। आप हाशिमपुरा गए होंगे के लिए? कोई जागरण के लिए मना करने के लिए गए थे क्या आप अपने क्षेत्र में? तो ये तो परंपरागत जागरण हो रहा है भैया। अच्छा, परंपरागत हो रहा है तो पिछले साल की ले आओ अनुमति। पिछले साल की अनुमति कहाँ है तुम्हारी? हैगी लगा रखी भैया कागजों में, और मैं इन्हें जब क्या होगा आप कागज लेकर भेज भी दूंगा। ठीक है, तो रमजान के बाद करवा देंगे। यार अब इंस्पेक्टर साहब देखो, अभी आपने अनुमति मांगी, अब आप टेक्निकल बात कर रहे थे तो मैंने टेक्निकल बात का जवाब दिया। रमजान ये वो एक अलग चीज हो गई। दंगा करा दूंगा क्या? तो आप आपके कहने पे जागरण नहीं होगा? सुनो सुनो मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, सुनो मेन रोड पे कतई नहीं। अरे आपके कहने आपके बस क्यों, तो तुम रोक लेना इंस्पेक्टर साहब। चलो जागरण रोक लूंगा। तुम्हारे बस क्यों, जितनी ताकत हो उतनी लगा लेना, और तुम जागरण रोक के दिखाना। लेना 2 तारीख को जाओ है तुम। चलो तुम रोक लेना, चलो हम भी देख लेंगे। तुम जागरण रोक लेना कोतवाल साहब, जाओ लेना तुम। आप रोक लेना, आप रोक लेना के महीने में। अरे रमजान के महीने में क्या हम अपने देवी जी के जागरण बंद कर देंगे? मुसलमानों के हिसाब से चलेगा क्या देश? क्या सही नहीं होने दूंगा शर्मा जी। आपसे रोका जाए, रोक लेना कोतवाल साहब। मैं कह रहा हूँ आपसे जितना रोका जाए उतना रोक लेना। देवी जी का जागरण है, मुसलमानों के हिसाब से नहीं चलेगा। मिश्रित आबादी में, अरे कोई सी भी आबादी हो, हमेशा होता है। अगर अगर 4 हिंदू रह गए तो हिंदुओं की परंपराएं बंद कर दोगे क्या? देश चल रहा है संविधान से, मेन रोड पे कतई नहीं। सुनो, संविधान से परंपरागत प्रोग्राम है, कोई नई परंपरा नहीं है, कोई नई परमिशन नहीं है। हाईवे पे बिल शर्मा जी, हाईवे पे कतई नहीं होने दूंगा। कोतवाल साहब तुम में जितना जोर हो, सुनो मेरी बात, और तुम भी पूरा जोर लगा लेना। जाओ हम भी अपनी औकात देखेंगे इस शहर के अंदर कि अगर ये जागरण रुक जा तो, और बुलडोजर लेके आना। जितने वो 10-20 हिंदू रह रहे हैं ना, वो उन्हें ढा देना। तुम चाहते हो कि इस देश से ब्राह्मण ये हिंदू निकल जाए, यहाँ से पलायन करा दो इनका, और तुम रोकना। मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं हाईवे पे रमजान। कोतवाल साहब तुम्हारे रमजानों से, मुल्लाओं की मस्जिद से, और मुल्लाओं के त्योहार से, ईद से हमारा कार्यक्रम नहीं रुकेगा। और तुमसे रोका जाए तो मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, तुम रोक लेना। जागरण तो होके रहेगा कोतवाल साहब, रुकेगा नहीं। यार तो बात कर रहे हैं, बच्चों वाली बात कर रहा हूँ। बच्चा नहीं हूँ मैं, बच्चा ही तो नहीं हूँ। आप अगर धमका कर रोकना चाह रहे हो ना, सुनो तो तुम अब जोर लगाना कोतवाल साहब, जितना तुम में हो। अरे हमने तो रोक ही लिया। चलो रोक लिया ना, अरे हम करके दिखाएंगे तुम्हें, हम करके दिखाएंगे तुम्हें। अरे हम तुम्हें यही जागरण, यही देवी जी का जागरण यही होगा। और अगर उनकी चांद रात से तुम डर रहे हो तो कोतवाली पुलिस, तुम सिविल लाइन इंस्पेक्टर डरते होंगे मुसलमानों से। हम नहीं डरते मुसलमानों से, हम तो ठोक के सीना ठोक के जागरण करेंगे, और देवी जी का पूरी रात गुणगान करेंगे माई का। जिसमें रोका जाए वो रोक ले, और तुम इन मुसलमानों के साथ खड़े हो जाना वहाँ पर। सुनो तुम भी इन मुसलमानों के साथ खड़े हो जाओ, और तुम रोक लेना इस जागरण को, ठीक है ना इंस्पेक्टर साहब? शर्मा जी रोकने के लिए आई हूँ भैया।
आप रोक ना इंस्पेक्टर साहब, अब तुम वहाँ पर फोर्स लेकर बुलडोजर लेकर खड़े हो ना। योगी जी की सरकार में, भाजपा के शासन में मुसलमानों के डर से जागरण नहीं रुकेगा कोतवाल साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात को दुरुस्त कर लो, सुनो, इस बात को दुरुस्त कर लीजिए आप सिविल लाइन इंस्पेक्टर साहब। मुसलमानों के खौफ में अगर वो चांद रात है और तुम दबाव में आओगे तो दबाव में पुलिस आ सकती है, हम नहीं आएंगे, हिंदू नहीं जाएंगे वहाँ। अगर 50 परिवार रह गए हाशिमपुरा के अंदर तो इनके ऊपर तोप चलवा के इन्हें बुलडोजर लगा के साफ कर दो फिर इंस्पेक्टर साहब। अब भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा में इंस्पेक्टर के बीच वायरल हुआ वीडियो। कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप, बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए, ये मुस्लिम माहौल, पूरा मुस्लिम है यहाँ, मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए अनुमति, आप सुनिए 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 आप मेरी बात सुनो, हमें आपसे कोई अनुमति नहीं है। हाँ तो मल्ली, और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं, आप करिए, आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना, नहीं नहीं, आपको बुलाया तो मान सम्मान के लिए, आप हमारे ही कार्यकर्ता के हमारे सामने जो है, कोई बात नहीं, आप मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी, आपने कहा मैं होने नहीं दूंगा, बिना अनुमति, मैं बिना अनुमति के करूँगा। बात करिए, मैं कैसे रोक रूंगा अगर आप, आप वीडियो बनवा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जागरण को 2 तारीख में करने जा रहा हूँ और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो उसकी परमिशन पुलिस से चाहिए, नहीं परमिशन नहीं डाल रहे हैं। धन्यवाद। आज फर्स्ट बाइट को एसपी सिटी विनीत भटनागर ने यह जानकारी दी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक ऑडियो कल जो आपने मुझे भी सुनाई और पहले भी हमने सुनी है वायरल होती हुई ऑडियो, उसके बारे में तुम्हें ये बताऊँगा कि उसकी क्या उसकी प्रासंगिकता है और किन लोगों के बीच में ये वार्ता हो रही है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मोटे तौर पे जो बात जानकारी सामने आई है, जनपद मेरठ के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में एक स्थान पर देवी जागरण करने के लिए कुछ व्यक्तियों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था। उसकी प्रक्रिया ये है कि एडीएम साहब, एडीएम सिटी क्या प्रार्थना पत्र दिया जाता है और उसके बाद वो थाने से रिपोर्ट मांगते हैं। इसमें थाने ने अवगत कराया अपनी रिपोर्ट में एडीएम साहब को कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये परंपरागत नहीं है, पहले हुआ था कभी 3 वर्ष पूर्व, वो भी अक्टूबर के महीने में हुआ था और उस समय, और ये मेन हाईवे के ऊपर नहीं हुआ था, और उसकी जो अनुमति भी हुई थी वो भी इस प्रकार से कंडीशनल अनुमति थी कि इसको गली के अंदर किया जाएगा, मुख्य हाईवे को बाधित नहीं किया जाएगा। ये बात जब कुछ लोगों के संज्ञान में आई तो उन्होंने थानाध्यक्ष सिविल लाइन्स से संपर्क किया, थानाध्यक्ष सिविल लाइन्स ने उनको परिस्थिति सारी बताई, लेकिन मुझे लगता है कि शायद शब्दों का सही चयन न होने की वजह से दोनों तरफ से वाद विवाद बढ़ गया और ये चीज़ें वायरल हो गई। मैं इसमें स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूँगा कि इसकी एक प्रक्रिया है, एक तो सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई कार्यक्रम करना है तो उसमें लोक हित को देखा जाता है, ये देखा जाता है कि किसी प्रकार का कोई लोक आचार उसमें बाधित तो नहीं हो रहा, परंपरागत है अथवा नहीं। आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि इस प्रकरण में वार्ता करी जाएगी, वार्ता करी जा रही है और जल्दी इसका जो है एक विधिक और कानूनी इसका एक सोल्यूशन निकाला जाएगा। हमारी प्राथमिकता है कि लोग अपने जो धार्मिक क्रियाकलाप है उनको भी करें, परंतु साथ ही साथ किसी प्रकार का भी कानून का उल्लंघन न हो, किसी प्रकार का प्रक्रिया का उल्लंघन न हो, ये भी हमारी प्राथमिकता है। इन दोनों के दायरे में रहते हुए हम इसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।